गुड मॉर्निंग आई एम हरमन साथ फुलर के साथ एंगल बाइसेक्टर। तो हम लोग कल के वीडियो में एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था कि एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, एंगल बाइसेक्ट करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो मैंने ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में बताया था आपको कि हमारे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो सारे चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम लोग लेंगे, कैसे हाउ टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर। तो आज इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ सम सॉल्व करेंगे। तो आइए ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर यूजिंग द कंपास। ओके, तो आज हम लोग कंपास के हेल्प से एंगल को ड्रॉ करना सीखेंगे, राइट। तो हेलो हेलो, ओके, तो ड्रॉ द टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर यूजिंग कंपास। तो हम कंपास के यूज से एंगल को कैसे ड्रॉ करेंगे आपको मैं आज बताने वाला हूं। ओके, तो आज का वीडियो में यही है कि हम कंपास के हेल्प से एंगल को कैसे ड्रॉ। तो आइए हेलो, तो कंपास मैंने आपको बताया था कंपास क्या है, तो इसे हम कंपास बोलते हैं और इसके हेल्प से हम एंगल को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक एंगल हम लोग लेते हैं, एंगल सपोज एंगल ए ओ बी, हमने क्या लिखा है एंगल ए ओ बी, इस एंगल को हमें ड्रॉ करना है और इसका बाइसेक्टर निकालना। ओके, तो हमने एक एंगल ड्रॉ किया, एंगल ए ओ बी, ए यहां पर हमने ए लिखा, ए पॉइंट ओ है जो एंगल है और ए पॉइंट बी है। ओके, अब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। ओके, तो किसके हेल्प से बाइसेक्ट करेंगे, कंपास के हेल्प से। ओके, तो अगर हम ये हमारा कंपास है। ओके, अब हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि कैसे, तो पहले आप कंपास के नीडल को ओ पर रखेंगे इस तरह से और यहां से ऐसे आर्क करेंगे और विदाउट इस पोजीशन को चेंज किए हुए फिर आप ओ बी लाइन पर इस तरह से आर्क करेंगे। ओके, समझ में यहां तक आया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं सी और इसका हम नाम रख दिया है डी। ओके, अब सी पर अपोजिशन नहीं चेंज करेंगे, विदाउट चेंज इन पोजिशन सी पर इस तरह सी पॉइंट पर रखकर आपने ऐसे ऐसे आर कर करेंगे फिर आप यहां से डी पॉइंट पर रखकर इस तरह से आर कर करेंगे। ओके, फिर ए पॉइंट जो आया दिस पॉइंट, मान लो सपोज दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट ई, ओ से ई को आपने ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे ज्वाइन ओ टू ई। ओके, तो आपने ज्वाइन करेंगे इस तरह से। मेरे पास चल रही कंपास स्केल नहीं है, फिर भी हम ज्वाइन करने के लिए, तो मैं हाँ हेलो मैं क्या करता हूं जो प्रोटेक्टर का ही हेल्प ले रहा हूं, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से ही ज्वाइन करते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया ओ से ई को प्रोटेक्टर की हेल्प से ज्वाइन कर देता हूं। ओके, तो ये आपको ई पॉइंट है और ए ओ पॉइंट है, तो मैंने क्या किया ओ से ई को ज्वाइन कर दिया।
ओके ज्वाइन कर दिया राइट। जब मैंने इसे ज्वाइन कर दिया तो ये पॉइंट क्या है, ई पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ई, तो दिस पॉइंट इज ई। ओके अब क्या करेंगे हम कि ए एंगल बी एंगल और डी एंगल मींस डी एंगल और डी एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए ओ ई इक्वल टू एंगल बी ओ ई, तो इसे हम बोलेंगे बाइसेक्टर एंगल, इसे बोलेंगे ए एंगल ए ओ बी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया ए ओ ई इक्वल टू बी ओ ई, तो हमारा क्या होगा एंगल ए ओ बी कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में, तो इस तरह से हम एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ओके तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, तो आप इस तरह से आप एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये सारे पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारे पॉइंट आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। ओके आइए नेक्स्ट बार तो हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि कंस्ट्रक्ट एंगल बाइसेक्टर ऑब्टेन एंड विच डिग्री 30 डिग्री। ओके तो हम क्वेश्चन लेते हैं कि कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्टर ऑब्टेन एन एंगल 30 डिग्री 80 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री, तो कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो पहले आपको मान लीजिए हमें एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो ऑब्टेन क्या हो 30 डिग्री ऑब्टेन हो, तो एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से, तो अगर हम पहले क्या करेंगे 60 डिग्री के एंगल बनाएंगे, किसके हेल्प से 60 डिग्री के एंगल बनाएंगे, प्रोटेक्टर से हेल्प से बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल, और हम क्या कर सकते हैं, तो उसको हम फिर आपको कैसे मैंने बाइसेक्ट करने के बोला हूं, तो वैसे आप बाइसेक्ट करेंगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा, वो 30 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। तो आइए हम लोग इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके तो मैं सबसे पहले इसे ज़रा करता हूं, आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो कंस्ट्रक्ट एंड एंगल बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट एंड एंगल बाइसेक्टर टू ऑब्टेन एन एंगल इज 30 डिग्री, टू ऑब्टेन एन एंगल एंगल ऑफ 30 डिग्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके तो इसको हम लोग कैसे हाउ टू ऑब्टेन द एंगल 30 डिग्री, तो इसके लिए फर्स्ट मैं आपको बताया था, मैं अभी बता रहा हूं कि इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि प्रोटेक्टर के हेल्प से आपको क्या करना होगा, तो आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना होगा, क्या करना होगा 60 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो देखिए ये जो एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टर, दिस इज द प्रोटेक्टर। तो आइए प्रोटेक्टर के हेल्प से पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन होगी, हमने इस पॉइंट ओ पॉइंट पर इस तरह से पॉइंट ओ है, ओ पर ए आपको एरो दिख रहा है ना, दिस एरो को हम ऐसे कंसीडर करेंगे। ओके तो यहां पर मैंने इस एरो पर ऐसे रख दिया। ओके ऐसे रखा, अब हमने आपको बताया था कि यहां से काउंट करेंगे तो 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड 60 डिग्री, दिस इज द 60 डिग्री। ओके ये 60 डिग्री हो गया, अब इस 60 डिग्री को हमने बोला था आपको ऐसे ज्वाइन करने के लिए, इससे होते हुए आपने ऐसे ज्वाइन कर लिया, ऐसे आगे और ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे आपने ज्वाइन कर लिया, ए यहां एरो लगा दिए, ए पॉइंट हमने ए मार्क कर दिया, ओ और ए पॉइंट यहां आपने एरो लगा दिया, ए पॉइंट बी हो गया, तो आपको 60 डिग्री का एंगल बन गया ए ओ बी, दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल
देयरफॉर एंगल एओबी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो एंगल एओबी इक्वल टू कितना आया 60 डिग्री, राइट। अब क्या करेंगे बताएं, अब इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, और इसको कितने पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में, मींस दिस एंगल ए डिवाइडेड कितना होना चाहिए 60 डिग्री को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितने डिग्री में कन्वर्ट होगा 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो आइए हाउ टू डिवाइड द 60 डिग्री इनटू इक्वल पार्ट। तो आप वही प्रोसेस मैंने जो आपको बताया हूं सेम प्रोसेस, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, राइट। हेलो हेलो हेलो, हाँ, तो यहां पर से हम क्या करेंगे कि यहां से ऐसे मैंने बोला था कि इसको एक बार फिक्स कर लेंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे, क्या करेंगे चेंज नहीं करेंगे, तो यहां से हमने ऐसे आर कर किया, इस पॉइंट पर रखकर मैंने ऐसे आर किया, फिर हमने ऐसे बीम पर रखकर रखकर रख दिया। ओके, तो ए पॉइंट अब इस यहां पर आ गया, तो यहां पर आर को यहां से फिर चेंज नहीं करेंगे, इस पोजीशन इज नॉट चेंज, तो यहां पर हमने यहां से ऐसे आर कर किया इस तरह से, और फिर मैंने यहां से इस पॉइंट से ऐसे आर कर दिया। ओके, अब हम उसे इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ओके, तो ज्वाइन दिस पॉइंट, तो इसे ज्वाइन करेंगे ऐसे, हमने इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर लिया। तो ए पॉइंट हमारा क्या आ गया, ई पॉइंट, ए पॉइंट हमारा आ गया ई, हमने यहां लिख दिया ई पॉइंट। ओके, तो दिस एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल कितने पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, दिस एंगल 30 डिग्री, दिस एंगल 30 डिग्री और दिस एंगल आल्सो 30 डिग्री। ओके, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए ओ ई इक्वल टू एंगल ओ ई इक्वल टू एंगल बी ओ ई इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री, 30 डिग्री। ओके, तो इस तरह से आप एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो यहां तक आपको, यहां तक पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना प्रैक्टिस जो ग्रुप है आपके पास, प्रैक्टिस ग्रुप क्या है, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट 3 है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं आज यहां पर वीडियो रोकता हूं और आगे जो प्रैक्टिस सेट है आप उसको सॉल्व करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।